ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्र बनने की राह दिखाई है और संपूर्ण पवित्रता की मंजिल पर चढ़ते हुए हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना परम आवश्यक है, ताकि विकारों की अग्नि जो जन्म जन्म की अंतर मन में समाई हुई है वो समाप्त हो जाए। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को शीतल किया जा सकता है। हमारी कर्मेंद्रियां संगम युग पर इतनी शीतल हो जाती हैं कि सतयुग में अंग अंग सुगंधित रहते हैं। तो हम सभी अपने योग बल पर बहुत ज्यादा अटेंशन दें। हमें विशेष ध्यान देना है कि दिनचर्या में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए हमारा योग का सुंदर अभ्यास चलता रहे। केवल बैठकर ही हम योग अभ्यास करें ऐसी ही हमें आदत ना हो, चलते फिरते भी हम कुछ विशेष चीजों का अभ्यास करें। जैसे मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, ये अभ्यास बढ़ाते रहेंगे तो इसका असर हमारी शक्तियों को बढ़ाता चलेगा। केवल ये अभ्यास हमें चालू रखना है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह रूपी प्रकृति का मालिक हूँ, तो कर्मेंद्रियों का भी मैं मालिक हूँ। ऐसे ही अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस चलती रहे कर्मों में, दो स्वमान हमने ये बताए। ऐसे ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, श्रेष्ठ योगी हूँ, इस धरा के लिए श्रृंगार हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, ये स्वमान भी हमारे बहुत चलते रहें। इससे क्या फायदा होगा कि आत्मा स्वयं को डिटैच अनुभव करती जाएगी और जितना जितना आत्मा देह से डिटैच होती है उतना ही कर्म इंद्रियां शीतल होती रहती हैं। जन्म जन्म का देहभान आत्माओं को इस देह के प्रति आसक्त बना चुका है, उससे कर्म इंद्रियों के रसों के कारण मनुष्य पवित्र बनता नहीं, बनना नहीं चाहता। और अगर वो बनता भी है तो कर्म इंद्रियों का रस, विशेष रूप से काम वासना का रस, उसे अपनी ओर बार बार आकर्षित करता है। देह के आकर्षण के ऐसा मनुष्य सदा ही अधीन हो जाता है और वो पवित्रता के सच्चे सुख से वंचित रहने लगता है। तो हमें योग बल बढ़ाते चलना है। योग बल बहुत बड़ी चीज है। स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया और संपूर्ण ज्ञान दिया कि तुम सर्वशक्तिवान से कनेक्ट कैसे रहो, उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहें। एक बहुत सुंदर और चीज जो अपने को बार बार याद दिलानी है, हम भी आपको बार बार याद दिलाएंगे कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, वो मेरे साथ है। ये स्मृति भी हमारे आंतरिक बल को बहुत ज्यादा बढ़ाती चलेगी और ये सब भी योग युक्त स्थिति में ही गिना जाएगा। केवल बैठकर योग लगाना, केवल एकाग्रता करना, इतना ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप होने से हमारी आंतरिक पवित्रता बहुत बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ स्वयं को चेंज करने के लिए हमें महसूसता की शक्ति की आवश्यकता होती है। हमें किस कमजोरी को चेंज करना है उसकी महसूसता। कई लोग अपने कमजोरियों के इतने वश होते हैं कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहता कि मेरी कमजोरी दूसरों के कष्टों का कारण बन रही है या मेरी ये कमी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को जानता है, महसूस करता है, उन्हें स्वीकार करता है, वो अपने को जल्दी ही परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि उसे बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलने लगती है। दूसरी चीज, हमें अपनी महानताओं को भी जान लेना चाहिए, रियलाइज कर लेना चाहिए। दोनों रियलाइजेशन की आवश्यकता है, कमियों की रियलाइजेशन और महानताओं की रियलाइजेशन। महानताओं की स्मृति में यदि हम रहेंगे तो महानताओं का बल
कमियों को निर्मूल कर देगा। ये बहुत सुख संगति है, इसलिए अपनी महानता को जानने के लिए स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहें। तो आज के ये सब स्वमान जो हमने वर्णन किए, उसके साथ साथ हम अभ्यास करेंगे सारा दिन, बाबा मेरा साथी है, बस ये नशा हो जाए, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मुझसे कंबाइंड है, और इस कंबाइंड स्वरूप का आनंद लेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।